जादुई टोपी। आशीष एक बहुत शरारती लड़का था। उसकी शरारतों से हर कोई परेशान था, चाहे घर हो या स्कूल, उसकी शरारतें कहीं नहीं रुकती थी। आशीष को पढ़ाई से भी उतनी ही नफरत थी। वो कभी भी अपना गृह कार्य नहीं करता था। उसके शिक्षक हमेशा उसके माता पिता से उसकी शिकायत करते रहते थे। शिक्षक, आपका बेटा इस बार भी बहुत कम अंक लाया है। उसका मन तो हमेशा किसी न किसी को परेशान करने में लगा रहता है। माँ, आपकी तरह हम भी आशीष से बहुत परेशान हैं। लेकिन क्या करें, वो हमारी एक नहीं सुनता। इसी तरह समय गुजरता जा रहा था। आशीष के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं हो रहा था। चाहे घर हो या स्कूल, हर जगह उसे हर कोई डांटता और उसे सुधारने की हिदायत देता। लेकिन आशीष के कान में जू भी नहीं रेंगती थी। एक दिन सुबह सुबह जब आशीष स्कूल जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक टोपी दिखी। टोपी बहुत ही सुंदर थी। उसके ऊपर एक रंग बिरंगा पंखा भी लगा हुआ था। आशीष ने चारों तरफ देखा। पास के घर से एक लड़की उस टोपी को उठाने के लिए आ रही थी। आशीष तेजी से दौड़ा और टोपी उठाकर भागने लगा। लड़की, ए, मेरी टोपी वापस करो। आशीष, अब ये मेरी हो चुकी है, मैं इसे वापस नहीं करूंगा। लड़की, पर इसे गीली मत करना, नहीं तो परेशानी में आ जाओगे। आशीष उस लड़की की बात को अनसुना करके भाग गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने टोपी को अपने सिर पर पहन लिया और स्कूल पहुंच गया। स्कूल में सभी आशीष की टोपी को ही निहार रहे थे। वो टोपी सच में बेहद खूबसूरत थी। उस दिन आशीष के स्कूल में एक टेस्ट था। आशीष ने कुछ भी नहीं पढ़ा था, लेकिन जैसे ही प्रश्न पत्र उसके हाथ में आया, सभी प्रश्नों के उत्तर आशीष की आंखों के सामने घूमने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों से इसे पढ़ता आ रहा है। आशीष ने सबसे पहले टेस्ट पूरा करके अपनी आंसर शीट शिक्षक को पकड़ा दी। शिक्षक, लगता है आज भी तुमने कुछ नहीं पढ़ा। ऐसा ही चलता रहा तो तुम अगली क्लास में नहीं पहुंच पाओगे। आशीष, नहीं गुरुजी, मैंने सब कुछ लिखा है। शिक्षक, वो तो परिणाम आने पर ही पता चलेगा। अगले दिन जब टेस्ट का परिणाम आया तो कक्षा के सभी बच्चे आश्चर्यचकित थे। आशीष के सबसे ज्यादा अंक आए थे और उसका एक भी उत्तर गलत नहीं था। आज शिक्षक भी आशीष की तारीफ किए हुए न रह सके। आशीष आज बहुत खुश था। वो खुशी खुशी घर जाकर माँ को ये बात बताता है। माँ भी आशीष की बात को सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा, जो कभी शरारती होने की वजह से एग्जाम में फेल होता था, आज सबसे ज्यादा अंक लेकर आया है। जब आशीष अपना गृह कार्य करने बैठा तो भी वो उस टोपी को पहने हुए था। एक बार फिर प्रश्न देखते ही उसकी आंखों के सामने सभी प्रश्नों के सही उत्तर घूमने लगे। आशीष समझ गया था कि ये और कुछ नहीं, टोपी का ही जादू है जिससे ये सब कुछ आसान हो रहा है। अब तो आशीष की जिंदगी बड़ी आसान हो गई थी। अचानक वो अपनी कक्षा का सबसे होशियार छात्र बन गया। सभी शिक्षक और बच्चे अचानक उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे में आए इस बदलाव को देखकर बहुत खुश थे। 2 महीने बीत गए। एक शब्द भी बिना पढ़े कक्षा के हर टेस्ट में प्रथम कैसे आते हैं, ये या तो आशीष को पता था या फिर जादुई टोपी को। शिक्षक, आशीष, कुछ दिनों बाद परीक्षा शुरू हो रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम परीक्षा में भी अच्छे अंक लाओ और कक्षा में प्रथम स्थान पाओ।
आशीष। जी गुरुजी, मैं प्रथम जरूर आऊंगा। आशीष को यकीन था कि वो अपनी टोपी की मदद से एक बार फिर आसानी से अच्छे अंक ले आएगा और परीक्षा में भी प्रथम आएगा। खैर, देखते देखते परीक्षा का दिन भी आ गया। आशीष बड़ा सज सवर के सिर पर टोपी पहनकर घर से निकला, लेकिन रास्ते में बहुत तेज बारिश आने लगी। क्योंकि परीक्षा शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा था, तो आशीष भागते हुए स्कूल पहुंचा। उसके कपड़े और टोपी सब गीले हो गए थे। वो अपनी टोपी को निचोड़ कर फिर से पहन लेता है और परीक्षा में बैठ जाता है। जैसे ही उसके हाथ में प्रश्न पत्र आया, तो उसकी आंखें फिर से चकराने लगी। लेकिन इस बार कोई उत्तर नहीं घूम रहा था, बल्कि प्रश्नों को देखकर उसके तो पसीने छूट रहे थे। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। टोपी ने काम करना बंद कर दिया। लड़की ने उसे टोपी को पानी से दूर रखने की हिदायत तो पहले ही दे दी थी, लेकिन आशीष ने ही उसे अनसुना कर दिया। आशीष ने अपनी आंसर शीट में एक भी उत्तर ना लिखा और वहां से उठकर चला गया। जब परीक्षा का परिणाम आया, तो सब लोग एक बार फिर आश्चर्यचकित थे। पिछले 2 महीने से हर टेस्ट में प्रथम आने वाला लड़का अब फेल हो चुका था। आशीष को सब लोगों से बहुत डांट पड़ी और सभी लोग उससे निराश भी बहुत थे। उस दिन आशीष ने सबक सीखा कि सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता।